सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दो टर्म है इसमें, सोल्यूशन और कोलिगेटिव। सोल्यूशन किसको बोलते हैं, सोल्यूशन किसको बोलेंगे, क्या सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूशन जो है मेनली तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, ध्यान देना, सॉल्यूशन को तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, सेकेंड होता है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन, और दूसरा कौन सा होता है, कोली कोलाइडल सॉल्यूशन। सेकेंड वन इज कोलाइडल, कोलाइडल सॉल्यूशन, एंड थर्ड वन इज सस्पेंशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। अब देखो ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस क्या है। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है बिल्कुल इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और इसमें जो साइज होता है सॉल्यूट का वो बहुत कम होता है। तो इस केस में साइज जो है सॉल्यूट का वो बहुत कम होता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यानी जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले सब ट्रू सॉल्यूशन के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। अगर मान लो शुगर शुगर को मिला दो वाटर में तो ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अगर NaCl को मिला दो तो ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और सॉल्यूट पार्टिकल का साइज जो होगा बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो NaCl एक्वस, NaCl एक्वस शुगर, ये सब जितने भी सॉल्यूशन है, एक्वस यूरिया, ये जितने भी सॉल्यूशन है सब के सब आएंगे ट्रू सॉल्यूशन में। नेक्स्ट है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का पार्टिकल होता है वो ट्रू सॉल्यूशन के कंपेयर में इसका साइज ज्यादा होता है, ट्रू सॉल्यूशन के कंपेयर में सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल का साइज ज्यादा होता है, इसमें साइज इसका ज्यादा होगा। अब एग्जांपल में बात करें मिल्क, ब्लड, और मिल्क में जो फैट वगैरह होते हैं, मिल्क में जो और मिनरल्स होता है उसका साइज जो होता है वो ज्यादा होता है। अब ऐसे देखने से लगा कि मिल्क में तो कुछ है ही नहीं, कि लिक्विड है, लेकिन उसके अंदर क्या है, जब मिल्क वगैरह को हम इससे बटर वगैरह निकालते हैं तो उसमें फैट वगैरह भी होता है। तो मिल्क में जो, चाहे ब्लड में देखो आरबीसी डब्ल्यूबीसी होता है, इसका साइज ज्यादा होता है, इसके वजह से इनको जो रखा गया है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में रखा गया। दिस बिलोंग्स टू कोलाइडल सॉल्यूशन। स्मोक, जो चिमनी वगैरह से स्मोक निकलता है, स्मोक इज एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इस कोलाइडल सॉल्यूशन का डिटेल हमें पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री में, जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, इसका डिटेल हमें सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना है, बहुत डिटेल में वहां पे कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। तो अभी याद रखना, मिल्क, ब्लड, स्मोक, जो चिमनी वगैरह निकलता है उसमें सॉल्यूट पार्टिकल का साइज ज्यादा होता है, तो दिस बिलोंग्स टू कोलाइडल सॉल्यूशन। और इसमें ऐसा बोला जाता है कि इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, कहीं कहीं लिखता है इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन ये इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हम मान के चलते हैं कि होता है, ठीक है। कहीं कहीं बुक में लिखता है नहीं होता है, एक बार एनसीईआरटी में पढ़ के देखना क्या लिखा हुआ है, वो तुम्हें मिलेगा सरफेस केमिस्ट्री में, इसमें नहीं मिलेगा, सरफेस केमिस्ट्री मिलेगा। नेक्स्ट है सस्पेंशन सॉल्यूशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन में जैसे एग्जांपल मड है, अब इसमें सॉल्यूट का पार्टिकल कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है, सॉल्यूट का पार्टिकल ज्यादा सबसे बड़ा होता है, तो ये तो 100% क्या है, नॉन इनफॉर्मली होता है,
नॉन इनफॉर्मली, ये नॉन इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नॉन इनफॉर्मली, इनफॉर्मली का मतलब क्या हुआ? अब जैसे हमने मान लो शरबत बनाया, तो ऐसा नहीं कि शरबत का जब हम थोड़ा सा पिए तो ज्यादा मीठा लगे, कम मीठा लगे, और जब बाद में पिए तो ज्यादा मीठा लगे, ऐसा नहीं होगा। इनफॉर्मली मतलब पूरे ग्लास में की जैसा डिस्ट्रीब्यूट, मिठास की जैसा होगा। और इसमें क्या होगा, मड वगैरह में एक तरफ ज्यादा होगा, मड में देखोगे एक तरफ कम होता है। मड इज एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन सोल्यूशन, ठीक है। अब इसमें बोला जाता है कि एक ही फेज, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक ही फेज बोला जाता है, कि इसके अंदर दोनों मिलाकर हम एक ही फेज का नाम देते हैं। है तो दो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, लेकिन नाम दे दिया जाता है इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की वजह से, एक ही फेज बोला जाता है कि एक ही फेज में, ठीक है। अब आगे चल के हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। तुम एक ग्लास में मिल्क वगैरह लेना और उसमें टॉर्च जलाना, टॉर्च जलाओगे तो वो क्या होता है, जो टॉर्च का लाइट होता है वो स्कैटर कर जाता है, ऐसे स्कैटर कर जाता है इसमें, ठीक है। रुक जाओ, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो इसमें जो लाइट है, लाइट जलाया गया तो वो लाइट स्कैटर कर गया, दिख रहा है ना। इसके अंदर लाइट एक में, एक सॉल्यूशन में लाइट स्कैटर नहीं किया है और एक सॉल्यूशन में लाइट स्कैटर फैल गया है, वो दिख रहा है ना। तो इस सॉल्यूशन में अगर हम लाइट पास करेंगे तो इसमें जो लाइट है वो स्कैटर नहीं करता है, और इसमें स्कैटर वो इधर उधर फैल जाता है। इसका रीजन ये है कि इसका पार्टिकल का साइज जो है ज्यादा है, और वो लाइट इसे टकराता है और उसकी वजह से स्कैटरिंग प्रोसेस होता है। लेकिन इसमें साइज इतना कम होता है कि जैसे हम लाइट पास करते हैं वैसा ही वो बाहर निकल जाए, इधर स्कैटर करता भी नहीं, क्योंकि लाइट यहाँ बहुत पार्टिकल क्या है, छोटे छोटे है, इससे टकराने के बाद उसका स्कैटरिंग होता नहीं है, और इस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है और ये नहीं दिखाता है, तो यही दोनों में डिफरेंस हो जाता है, तब तो हमें समझ में आ जाता है कि ये कोलाइडल है और ये ट्रू है, ठीक है। तो इसमें स्कैटरिंग प्रोसेस नहीं होता, लाइट पास करोगे जैसा था वैसा ही निकल जाएगा, लेकिन इसमें स्कैटरिंग हो जाता है। तो समझ में आया था कि इसमें कोलाइडल, ये कोलाइडल सोल्यूशन है कि पार्टिकल का साइज ज्यादा होगा, इसकी वजह से स्कैटरिंग प्रोसेस हो रहा है, टिंडल इफेक्ट दिखा रहा है और ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखा रहा है। तो हम समझ जाते हैं कि ट्रू है और ये कोलाइडल है, बाकी साइज के बेसिस पे इनको डिफरेंस किया गया। इसके बारे में डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे ट्रू सोल्यूशन के बारे में, यानी ट्रू सोल्यूशन में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, और ये नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर बोला जाए कि ट्रू सॉल्यूशन में कितने फेज होते हैं, तो कितना होगा, फेज एक ही बोलेंगे, ठीक है। पार्टिकल के साइज इतना छोटा हो जाता है कि हम फेज एक ही बोलेंगे, ठीक है। इसमें स्कैटरिंग दिखाएगा, टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, इसमें नहीं दिखाएगा। मिल्क, ब्लड, स्मोक इज एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल, बाकी जो हम ये बनाते हैं ये ट्रू सॉल्यूशन का है। तो हम यहाँ ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करें तो इसमें कुछ कुछ टर्मोलॉजी होता है, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं तुम्हें टर्मोलॉजी। जैसे बोला जाए एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट के तौर पे क्या होगा, वाटर। बोला जाएगा नॉन एक्वा सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट के तौर पे क्या होगा, वाटर के अलावा कुछ भी, जैसे मान लो अल्कोहल ले लो या इथर ले लो या CCl4 ले लो, ठीक है। तो हम उसको नाम भी देते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन अगर एक्वस रहा तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन बोलेंगे,
अगर मान लो अल्कोहल रहा तो अल्कोहलिक सोल्यूशन बोलेंगे, अगर इथर रहा एज ए सॉल्वेंट इथेनोइक सोल्यूशन, तो नॉन एक्वस सोल्यूशन और एक्वस सोल्यूशन। तो मैं बस टर्मोलॉजी डायरेक्ट बता रहा हूं, एक्वस सोल्यूशन और नॉन एक्वस। नॉन एक्वस, एक्वस में सॉल्वेंट है जो वाटर रहेगा और इसमें वाटर के अलावा दूसरा कोई सॉल्वेंट रहेगा, CCl4 मीथ CCl4 रहेगा, CH2 रहेगा, अल्कोहल रहेगा, इथर रहेगा, बेंजीन भी हो सकता है, बेंजीन इज ऑल्सो ए सॉल्वेंट। और दूसरा जो टर्मोलॉजी है वो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। किसको बोलते हैं? वो सॉल्यूशन जिसका हमें कंसंट्रेशन पहले से मालूम होता है। तुम लोग अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 1 मोलर टेम्परेचर अगर रहता है तो जिसका हमें कंसंट्रेशन पहले से नोन होता है उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल साइज का डिफिनेशन है कि जिसका हमें कंसंट्रेशन पहले से मालूम है, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो टर्मोलॉजी इसमें, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। जब हम मान लो 1 लीटर वाटर में सॉल्यूट को मिला रहे हैं और वो डिजोल्व होते चला जा रहा है तो वो कंडीशन कौन सा है? अनसैचुरेटेड। अब एक समय ऐसा आया कि वो अब सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट मिला चुके हैं, अब उससे ज्यादा एक भी मोल सॉल्यूट का डिजोल्व नहीं होगा। अगर हम डिजोल्व करते भी जाके सॉलिड के टर्म में नीचे बैठ जाएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम हमने देखा था, तो कंडीशन कौन सा है? सैचुरेटेड, नो मोर ऑफ सॉलिड कैन बी डिजोल्व, उसके अलावा एक भी मोल डिजोल्व नहीं किया जा सकता है। और यहीं पर सॉल्युबिलिटी डिफाइन होता है, यानी सॉलिड का वो मैक्सिमम अमाउंट अपने अंदर डिजोल्व किया है तो यहीं पर सॉल्युबिलिटी डिफाइन होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है, हम कोई एक्सटर्नल फैक्टर लगा के हीट करके या प्रेशर का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें, टेम्परेचर और अकाउंट मिक्स करके टेम्परेचर बढ़ा के हम उसको एक्स्ट्रा डिजोल्व करवा दिए। उसके वजह से अगर मान लो 500 मोल डिजोल्व होना था, 550 डिजोल्व हो गया तो बोल देंगे अपने कैपेबिलिटी से ज्यादा डिजोल्व हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड। लेकिन जब वो कूलिंग करेंगे उसको तो जो एक्स्ट्रा मोल डिजोल्व हुआ है, तुम कंटेनर पे हीट कवर करोगे तो उस पे बाद में क्या होता है, इस पे जो एक्स्ट्रा डिजोल्व है उस कंटेनर पे आके चिपक जाता है, तो उसके बाद वो बनता है प्रिसिपिटेट, पीपीटी। ठीक है, तो इस टर्मोलॉजी को ऑलरेडी डिफाइन हुआ है, बस इसको ध्यान में रखना है। तो एक्वस, नॉन एक्वस, स्टैंडर्ड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। नेक्स्ट होता है वोलेटाइल सोल्यूशन, वोलेटाइल सॉल्यूशन, और होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। वोलेटाइल सॉल्यूशन और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। अब वोलेटाइल सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि मान लो दो लिक्विड को हमने मिलाया, मान लो अल्कोहल को और वाटर को मिलाया, और वाटर अल्कोहल दोनों अगर मिलाया और दोनों को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी वेपराइज होगा और अल्कोहल का मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, वेपराइज होगा, यानी दोनों का वेपर बनेगा। जब दोनों का वेपर बनेगा तो हम बोल देंगे बोथ आर वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब वेपर बनना। तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में कई बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कई बार क्वेश्चन बोलता था इनमें से कौन ज्यादा वोलेटाइल है या कम वोलेटाइल है, तो जिसमें वेपर बनता उसको वोलेटाइल बोलेंगे। और नॉन वोलेटाइल का मतलब हो गया, मान लो अगर तुम NaCl डिजोल्व कर दिए वाटर में, तो यहां मान लो NaCl है सरफेस पे और यहां वाटर है, तो यहां पर ये वेपर बनेगा लेकिन ये जो NaCl है उसका वेपर नहीं बनेगा। जब इसका वेपर नहीं बनेगा तो हम बोलेंगे कि ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन है,
यानी एक का वेपराइजेशन हो रहा है और दूसरे का वेपराइजेशन नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन। इसको बोलेंगे नॉन वोलेटाइल है और ये वोलेटाइल है, और इसमें बोलेंगे दोनों वोलेटाइल है, ठीक है। ये टर्मोलॉजी है, बाकी और भी टर्मोलॉजी, आइडियल सोल्यूशन किसको बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसको बोलते हैं, तो आगे बताएंगे। तो ये अपना टर्मोलॉजी है। उसके बाद स्टार्ट होता है टाइप ऑफ सोल्यूशन। अब केमिस्ट्री बोलता है कि कोई दो चीजों को मिक्स कर दो वो सोल्यूशन बन जाएगा, दो चीजों को मिक्स कर देंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा। तो टाइप ऑफ सोल्यूशन में पहले यहां पर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताते हैं। सॉल्यूट किसको बोलेंगे, जिसका अमाउंट कम होगा उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, और जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, बोलेंगे ना। ऐसे आईटीजेई में क्वेश्चन पैसेज आया था हमारे टाइम 2008 में, उसमें क्या था, अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा था, अल्कोहल मान लो 10 मोल है, 10 मोल अल्कोहल है और 5 मोल वाटर है। अब इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, अब ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस में पूरा बनाना था। लेकिन नॉर्मली हम अपने ध्यान में रखते हैं तो अगर बोला जाए कि एक्वस अल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो एक्वस वाटर को क्या मानते हैं, सॉल्वेंट, लेकिन इस क्वेश्चन में ये सॉल्यूट था और ये सॉल्वेंट था, क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा है इसका अमाउंट कम है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट ज्यादा और कम होगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। अब केमिस्ट्री के अंदर तुम्हें टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखना है आप, तो कोई भी दो चीजों को मिला दिया जाए तो उसको हम सॉल्यूशन बोलते। तो अगर हम पहले देखते हैं सॉलिड में, केवल एस लिख रहा हूं, सॉलिड को अगर लिक्विड में मिला दिया जाए, सॉलिड को अगर लिक्विड में मिला दिया जाए तो भी एक सॉल्यूशन है। अगर सॉलिड को सॉलिड में मिला दिया जाए वो भी एक सॉल्यूशन है, और सॉलिड को अगर गैस में मिला दिया जाए, तो पहला देखो, अगर सॉलिड को लिक्विड में मिला दिया जाए एक्वस एनएससीएल, सॉलिड को सॉलिड में मिला दिया जाए एलॉय वगैरह जो जो हम गोल्ड का बनाते हैं, तो उसमें सॉलिड में सॉलिड का मिक्सिंग होता है, तो एलॉय इज एग्जांपल ऑफ, और जो पहला वाला सॉल्यूट है और दूसरा वाला सॉल्वेंट है, तो सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन बोला जाए। ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, तो जिसका अमाउंट कम होगा उसका पहले नाम लेंगे सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। अब यह सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, यानी सॉलिड का अमाउंट कम होगा और गैस का अमाउंट ज्यादा होगा, तो गैस सॉलिड का अमाउंट कम होगा गैस का अमाउंट ज्यादा होगा। एग्जांपल क्या है, स्मोक, हालांकि स्मोक कोलाइडल सॉल्यूशन है बट सॉल्यूशन बोलेंगे। तो उसमें स्मोक में सॉलिड पार्टिकल कम होता है और गैस पार्टिकल ज्यादा होता है। अगर इसके उल्टा देखोगे तो गैस इन सॉलिड है, गैस इन सॉलिड, यानी गैस कम होगा सॉलिड ज्यादा होगा, और ये हमें देखने को मिलेगा जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो क्या होता है, प्लेटिनम के प्लेट वगैरह पे या कॉपर के प्लेट पे हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करवाया जाता है हाइड्रोजिनेशन करने के लिए, मल्टीपल बॉन्ड को अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड बनाने के लिए, डबल बॉन्ड को जो हम आयल ओवर बनाते हैं डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाइड्रोजिनेशन करवाया जाता है। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस को इस प्लेट पे ऑब्जर्व करवाया जाता है, ये प्लेटिनम का प्लेट है या कॉपर का प्लेट है, इस प्लेट पे हाइड्रोजन गैस को ऑब्जर्व करवाया जाएगा। ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, एक तो ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा सरफेस केमिस्ट्री वहां भी पढ़ना है, और इस प्रोसेस को बोला जाएगा ऑक्लूजन, सरफेस केमिस्ट्री में बताएंगे इस प्रोसेस को बोला जाएगा ऑक्लूजन। ये सब कैसे कैसे प्रोसेस होता है, इसमें फिजिकल प्रोसेस भी है, केमिकल प्रोसेस भी है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा ऑक्लूजन। अब यहाँ सॉलिड का अमाउंट ज्यादा है और गैस का अमाउंट ज्यादा है, तो इस सोल्यूशन एवीएट टाइप का सोल्यूशन हो गया, तो इस सोल्यूशन को हम नाम देंगे गैस इन सॉलिड सोल्यूशन, यानी गैस का अमाउंट कम होगा और सॉलिड का अमाउंट ज्यादा होगा, ठीक है। अगर सॉलिड इन गैस बोले तो स्मोक इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस एग्जांपल। अब ये जो एग्जांपल मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन में आता है, यहां तक कि नीट में पूछ चुका है कि ये एक सॉल्यूशन दे देगा, बताओ ये किस टाइप का सॉल्यूशन है।
सॉलिड इन लिक्विड है, लिक्विड इन सॉलिड है, या लिक्विड इन लिक्विड है, कैसा सॉल्यूशन है? हमने यहां पर गैस लिया, आप गैस को ले लो, गैस के अंदर गैस का मिक्सिंग ले लो, यानी गैस कम होगा दूसरा गैस ज्यादा होगा, एयर, एयर इज एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस मिक्सचर। अब यहां गैस कम होगा और लिक्विड ज्यादा होगा, तो अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें, ठीक है, सोडा वाटर, तो उसमें CO2 गैस वगैरह भरा जाता है, तो गैस का अमाउंट कम होता है, लिक्विड का अमाउंट ज्यादा होता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक इज एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड। ये तीन एग्जांपल, एग्जांपल याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने सॉलिड को एज ए सॉल्यूट लिया और ये हमने चेंज किया, यहां गैस को हमने एज ए सॉल्यूट लिया, अब हम लिक्विड को सॉल्यूट लेते हैं, तो लिक्विड मिला दो, अल्कोहल और वाटर मिला दो, तो अल्कोहल और वाटर इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड में क्या मिला दो, गैस या सॉलिड ले लो, सॉलिड ले लो, लिक्विड कम होगा और सॉलिड ज्यादा होगा, ये एग्जांपल नीट में भी आ चुका है, इसका एग्जांपल बताओ क्या होगा, अमलगम, अमलगम में मर्क्यूरी कम होता है और सोडियम का अमाउंट ज्यादा होता है, तो जो सोडियम अमलगम होता है, अमलगम इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, तो अमलगम पूछा जाएगा कि अमलगम किस टाइप का एग्जांपल है, तो लिक्विड इन सॉलिड एग्जांपल। तीसरा है लिक्विड और गैस, यानी लिक्विड कम होगा और गैस ज्यादा होगा, फॉग या जो डीओ लगाते हम, तो डीओ में लिक्विड कम होता है, गैस का अमाउंट ज्यादा होता है, डीओ का हेड ऐसी होता है ना, फॉग का, फॉग का हेड ऐसी करता है ना, तो उसमें लिक्विड का अमाउंट कम होता है और गैस का अमाउंट ज्यादा होता है, तो फॉग इज एग्जांपल ऑफ, या रेनी सीजन में जो फॉग वगैरह या विंटर सीजन में जो फॉग जमता है, तो उसमें लिक्विड ड्रॉपलेट का अमाउंट कम होता है और एयर का अमाउंट ज्यादा होता है, तो उस अमाउंट बोलेंगे हम कि इट इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस। तो इस तरह से 9 सॉल्यूशन हो जाते हैं, और ये टाइप हमें नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें भी पढ़ना है, लेकिन उसमें एक सॉल्यूशन नहीं होता है, ये इसमें कोलाइडल नहीं होता, गैस इन गैस इज नॉट ए कोलाइडल सॉल्यूशन, गैस इन गैस ट्रू सॉल्यूशन में आता है, गैस इन गैस ऑलवेज ट्रू में आएगा, ये कोलाइडल में नहीं आता, बाकी का एग्जांपल कोलाइडल में भी आते हैं। मिल्क बताओ, मिल्क इज एग्जांपल ऑफ कोलाइडल, मतलब कैसा, लिक्विड इन लिक्विड या सॉलिड इन लिक्विड, क्या होगा, सॉलिड इन लिक्विड या लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड होगा ना। ब्लड क्या एग्जांपल होगा, सॉलिड इन लिक्विड, तो नेक्स्ट चैप्टर में वो सब कोलाइडल मिल्क वगैरह आएगा, अभी अगर मिल्क आता है तो मिल्क इज एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन होगा, एग्जांपल याद रखना, पूछा जाता है अमलगम, स्मोक इज एग्जांपल ऑफ, ऐसे पूछा जाएगा, स्मोक इज एग्जांपल ऑफ, तो स्मोक में सॉलिड पार्टिकल कम होता है और गैसियस पार्टिकल ज्यादा होता है, तो सॉलिड इन गैस। ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, तो टर्मोलॉजी हो गया और टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं इस पे कि सॉल्यूशन में, अब मेनली हमें इस चैप्टर में सॉलिड इन लिक्विड के बारे में ज्यादा स्टडी करेंगे, ठीक है, बाकी के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, और थोड़ा सा फैक्टर अफेक्ट करेंगे हम गैस इन लिक्विड। हम अभी 2 का फैक्टर देख रहे हैं कि गैस इन लिक्विड ये किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा और सॉलिड इन लिक्विड ये किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, इसका सॉल्युबिलिटी यानी ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबल हो जाए ये किस बात पे डिपेंड करेगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। अब सोचो कि अगर सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करना है
ज्यादा से ज्यादा सोलिबिलिटी बढ़ाना है तो फैक्टर अफेक्टिंग सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालेगा? तो दिमाग में तो पहला आता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन वो एग्जाम्पल में एंडोथर्मिक होना चाहिए। वो एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, एंडोथर्मिक। अगर वो सॉल्यूशन एंडोथर्मिक है तभी वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा। अगर एक्सोथर्मिक है, एक एग्जाम्पल है शायद एक्सोथर्मिक का, एक दो ऐसे एग्जाम्पल है जो एक्सोथर्मिक का है, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, दो एक दो एग्जाम्पल है जो एक्सोथर्मिक होता है और उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घट जाए, घटता है। और एक बार तो वो तुम्हारा सीटी में पूछ भी चुका है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्लियर क्लियर लाइन लिखा हुआ था K0.3। तो यहां पर ध्यान देना कि एंडो होगा, एंडोथर्मिक होगा तभी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, अगर ये एक्जो हुआ तो टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है। ठीक है, सेकेंड अगर हम प्रेशर के बारे में बात करें तो प्रेशर का क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? PV=NIT लगाते हैं हम तो PV=NIT कल गैसियस फेज पे लगता है, हम यहाँ PV=NIT सॉलिड और लिक्विड पे लगाते भी नहीं है, तो गैसियस स्टेट में टीच किया गया होगा कि सॉलिड इन सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये अगर हम कंप्रेस करेंगे, इस पे प्रेशर लगाएंगे, कंप्रेस होगा, ये नहीं होगा, इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो नो इफेक्ट ऑन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्या देयर आर सम सब्सटेंस वेयर सॉल्युबिलिटी आर नॉट रेगुलर फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2CO3 फर्स्ट इंक्रीज। हाँ सही हो, सही है ना, NCERT वो क्या है, डिपेंड करेगा इसका एक्जो और एंडो पे। ठीक है, सब कुछ एक एग्जाम्पल है, तुम्हें टेक्स्टबुक में भी लिखा होगा एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल है लिखा, बस इतना लिख के छोड़ दिया है कि एक्सोथर्मिक होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा विथ इंक्रीज डी टेम्परेचर। टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है लिखा है, NCERT में एग्जाम्पल एक मिलेगा, है ना, नहीं है क्या, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब नहीं है तो फिर पूछेगा ही नहीं। तुम्हारे जो महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक है उसमें एक एग्जाम्पल दिया है, कोई नहीं, जब NCERT में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी नहीं दिया है टेक्स्ट बुक में। बस इतना ध्यान रखना कि एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा और एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा। अगर उसको देना होगा तो डायरेक्ट रटा हुआ एग्जाम्पल नहीं देगा, हो सकता है कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की पहचान करवा के तब तुमसे पूछ ले। और भी इस पर फैक्टर बताओ, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और किस टाइप का नेचर ऑफ सॉल्यूट है, यानी नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पे डिपेंड करेगा, दोनों पोलर है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, दोनों नॉन पोलर तो उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, होगा ना, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा। और कौन सा फैक्टर है, अब इसका बताओ, गैस इन लिक्विड का फैक्टर बताओ, कौन कौन सा फैक्टर होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा ना कि घटेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा घटेगा। अगर मान लो कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने के बजाय तुम्हें दे दिया जाए तो तुम घर पे ले जाकर उसको हीट कर दोगे, उसको बोला जाता है कि फ्रीजर में रखो, तो तुम ले जाके हीट करोगे, उसको हीट करोगे तो जो भी CO2 गैस है उसमें डिजोल्व है वो बाहर निकल जाएगा। तुम बायोम पढ़ते भी होगे कि गर्मी के दिनों में समर डेज में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो नीचे लोअर लेवल पे चले जाते हैं,
क्योंकि अपर लेयर पे हीट ज्यादा होता है, इसके वजह से ऑक्सीजन के वहां क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो जब हीट पड़ता है अपर लेयर पे तो वहां से ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाता है, या कोल्ड ड्रिंक को अगर हम हीट कर दे तो जो उसमें CO2 गैस डिजोल्व होता है वो भी बाहर निकल जाएगा। या हम नॉर्मली अगर वाटर में को बॉइल करते हैं तो वाटर बबल्स निकालते हैं, वो बबल्स क्यों निकालते हैं, क्योंकि उसमें से गैस बाहर निकलता है। तो ये एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी घटता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से सोलिबिलिटी क्या होगा, सोलिबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही सोलिबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इस चीज को समझने के लिए हम हेनरी लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। तो हेनरी लॉ पे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, तो ध्यान से देखो हेनरी लॉ बता रहा हूं। यानी हेनरी लॉ इसी बात को डिफाइन करता है कि कितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो कितना सोलिबिलिटी बढ़ेगा, या कितना मोल फ्रैक्शन उसके अंदर सोल्यूबल होगा। इस चीज को हमें न्यूमेरिकली जानना है। तो मान लो हमने एक कंटेनर ले लिया। अब इस कंटेनर में हमने यहां पर लिक्विड ले लिया, वाटर ले लिया। अब इस कंटेनर में क्या करते हैं, यहां पर एयर लेते हैं, यहां पर हम एयर लेते हैं। अब जब एयर लेंगे तो सोच लो कि एयर के अंदर तो बहुत सारा गैस है, एयर के अंदर एक तो गैस है नहीं ना, तो इसके अंदर बहुत सारा गैस है। अच्छा मान लो पहले हम एक गैस लेते हैं, हम यहां पर गैस का मिक्सिंग नहीं लेते, एक नॉर्मली कोई N2 गैस ले लो या O2 गैस ले लो, और यहां पर लगा दो पिस्टन। पिस्टन ये मूवेबल है, अगर हम यहां से प्रेशर लगाएंगे तो ये मूव करेगा नीचे, जैसे यहां से प्रेशर लगाएंगे तो ये जाके इसमें डिजोल्व होने लगेगा, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो ये इसका डिजोल्व इसके अंदर होने लगेगा। तो प्रेशर और सोलिबिलिटी यानी इसमें डिजोल्व होना, यानी यहां से जो प्रेशर लगाया जा रहा है, एक्चुअली ये प्रेशर हम बोलेंगे गैस का प्रेशर है, हम यहां से लगा रहे हैं, लेकिन ये गैस यहां से प्रेशराइज होके यहां पर, तो जो गैस का प्रेशर है यहां पे और यहां इसके अंदर जो सोलिबिलिटी है, तो जितना ज्यादा यहां गैस का प्रेशर होगा उतना ही सोलिबिलिटी ज्यादा होगा। यानी प्रेशर में और सोलिबिलिटी में कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, यानी मोर प्रेशर मोर सोलिबिलिटी, यानी सोलिबिलिटी को हम S से बता रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यानी सोलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सोलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही सोलिबिलिटी ज्यादा होगा। अब यहां पर प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम एक कॉन्स्टेंट लेते हैं K P, जिसको हम बोलते हैं हेनरी कॉन्स्टेंट, और यहां ले लेंगे P, तो S इक्वल टू हो जाता है KP, यानी जितना ज्यादा प्रेशर उतना ही ज्यादा सोलिबिलिटी होगा, तो S इक्वल टू KP हो जाएगा। तो सोलिबिलिटी में और प्रेशर में अगर ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, लीनियर, और लाइन पास थ्रू ओरिजिन होगा ना, Y इक्वल टू MX प्लस C, तो ग्राफ बनाएंगे ये लीनियर ग्राफ बनेगा और लाइन ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने एक गैस लिया है और उस गैस को देखना है, तो इसका प्रेशर हमें इसमें कोई और दूसरा पार्शियल प्रेशर की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ध्यान दो इसका दूसरा टर्मोलॉजी, अगर मान लो यहां पर एक गैस के बजाय अगर हम यहां मिक्सिंग ऑफ गैस ले ले, अब एक गैस के बजाय यहां पर एक से ज्यादा गैस ले लिया जाए, यानी यहां पर हम गैस का मिक्सचर ले लेते हैं, कंटेनर वही है लिक्विड वही है, ठीक है। अब यहां पर हम गैस का मिक्सिंग एयर ले लेते हैं, अब एयर के अंदर N2 भी है, यहां पर केवल हमने एक लिया था N2, तो यहां पर हमें उसके बारे में कोई जानने की जरूरत नहीं था, इसके बस प्रेशर हम जानते। अगर मान लो यहां पर एयर गैस का मिक्सिंग है, O2 भी है N2 भी है CO2 भी है, बहुत सारा गैस है, वो हमें डिफाइन करके दिया गया है कि कौन कौन सा गैस है। अब यहां पर हम पिस्टन लगा दिए और यहां पर प्रेशर लगा रहे, तो यहां पर बहुत सारा गैस है, मान लो N2 भी है और O2 भी है CO2 भी है, दो ही मान लेते हैं। अब हमें यहां पर प्रेशर लगाया जाए, तो अब ये जो गैस है
अब गैस का मिक्स, यहाँ पर जो गैस यहाँ पर प्रेशर लगाया जाता है मिक्स होगा, तो जो O2 का मिक्स होने का रेट होगा वो N2 के मिक्स होने का रेट के बराबर नहीं होगा, दोनों का रेट अलग अलग होगा। हो सकता है N2 ज्यादा मिक्स हो, या अगर मान लो CO2 भी है तो CO2 का जो इसमें मिक्स होने का रेट होगा वो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तीनों गैस का बराबर होगा। तो एक बात समझना कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना कम होता है, यानी जो जितना सॉरी क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब वो जल्दी से क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड बनेगा। भूल गए क्या क्रिटिकल टेम्परेचर, स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ाया मोर, वो ऐसा मत सोचो रट रहे हो। पहले क्रिटिकल टेम्परेचर पे आओ, क्रिटिकल टेम्परेचर किसको बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर किसको बोलते हैं, अगर हम टेम्परेचर को गैस गैस के लिए गैस को हम कूलिंग करना स्टार्ट किए, कूल करते गए करते गए करते गए एक ऐसा टेम्परेचर आया जिस टेम्परेचर पे वो गैस किसमें कन्वर्ट होने लग गया, लिक्विड में। दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, उसी को बोलते हैं ना। अगर मान लो तुम्हें चार गैस दे दिया जाए, चार गैस दे दिया जाए एबीसीडी, ए है बी है सी है डी है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 500 डिग्री है, इसका है 400, इसका है 350 और इसका है 300। अब तुम सबको 600 पर रख दो, सबको चारों कंटेनर, अब कूल करना स्टार्ट करो। जब कूल करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले लिक्विफाइड कौन होगा, ए होगा या डी होगा। जब कूलिंग करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले अगर 600 से कूलिंग करना स्टार्ट करोगे तो आएगा ये 550 पे, फिर आएगा 500 पे। जैसे ही 500 पे आएगा तो ये बोलेगा कि हम लिक्विफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी मोर क्रिटिकल टेम्परेचर आसानी से क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाता है। ये स्टेट ऑफ मैटर में बात बताया गया था, जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उतना उसका लिक्विफिकेशन क्या होता है, जल्दी से होता है। तो ये लिक्विफिकेशन इसका आसानी से हो जाएगा। बाद में जब आप टेम्परेचर और कम करेंगे तब जाके बी होगा, यानी सबसे पहले ए होगा फिर बाद में बी लिक्विफाइड होगा और सी होगा फिर लास्ट में डी होगा, यानी सबसे पहले लिक्विफाइड जो होगा वो ए होगा, यानी जो लिक्विफाइड होगा जल्दी वो ज्यादा सोल्यूबल होगा। जो गैस जितना ज्यादा लिक्विफाइड होगा जल्दी से उसका सोल्युबिलिटी ज्यादा होगा। अगर इस टर्म को क्रिटिकल से जोड़ दिया जाए तो क्या बोलोगे, मोर क्रिटिकल टेम्परेचर मोर सोल्युबिलिटी, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। इस चैप्टर में केवल इतना ही लिखा हुआ है कि जितना ज्यादा लिक्विफिकेशन होगा, सॉरी जितना ज्यादा लिक्विफिकेशन होगा उतना ही सोल्युबिलिटी क्या होगा, यही लिखा हुआ है ना। अब इसको तुम जोड़ो क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो अगर तुम्हें नीट वगैरह में क्वेश्चन देगा तो ये दे देगा क्रिटिकल टेम्परेचर इसका इतना है, सबका डेटा दे देगा, बोलेगा किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो जो जल्दी लिक्विफाइड होगा वो जल्दी उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, तो मोर क्रिटिकल टेम्परेचर विल बी इजिली लिक्विफाइड, और इजिली लिक्विफाइड होगा तो उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। क्लियर हो गया, तो ध्यान देना कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से जोड़ा जाए तो इस तरह से हम बता सकते हैं। और ऐसे अगर नॉर्मल बोला जाए तो जिस गैस का लिक्विफिकेशन जल्दी होता है वो गैस आसानी से उसमें डिजोल्व होता है, जितना जल्दी उसका लिक्विफिकेशन हो जाएगा। तो इस लिक्विफिकेशन को जानने के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर को हमें जानना पड़ेगा। अब यहां पर जो गैस है, अब ये CO2, CO2 जल्दी ज्यादा डिजोल्व होता है, CO2 ज्यादा डिजोल्व होता है ना। तुम ये भी ग्राफ पढ़े थे जूल थॉमसन इफेक्ट वाला, वो भी यहां अप्लाई हो सकता है। अब मान लो यहां पर ये गैस है, तो ध्यान रखना एक चीज, अब इस पॉइंट पे आ जाओ कि अगर यहां एयर है और यहां गैस का मिक्सिंग है तो जो गैस यहां पर डिजोल्व होने वाला है वो गैस एक ही रेट से डिजोल्व नहीं होगा, सबका रेट अलग अलग होगा।
लेकिन हमने यहाँ पर केवल एक गैस लिया था, इसलिए डायरेक्ट एस इक्वल टू के पी लगाया था, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी में डायरेक्ट रिलेशन लगाया था। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि कौन एन टू कितना डिजोल्व होगा, एन टू कितना डिजोल्व होगा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर यह आएगा कि एन टू का सॉल्युबिलिटी इसका सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे कि एन टू का पार्शियल प्रेशर और स्टेट ऑफ मैटर की तरह सोच लेंगे। ये हमारा सिस्टम, हमारा स्टेट ऑफ मैटर है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में स्टेट ऑफ मैटर का क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर ये हमारे लिए स्टेट ऑफ मैटर का क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर निकाल देंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि टोटल प्रेशर इतना है, तो पार्शियल प्रेशर अगर तुम्हें निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू कैसे निकालोगे, पी टोटल इंटू इसका मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन, एन टू का। अच्छा, ये मोल फ्रैक्शन कहाँ लोगे तुम, इस सॉल्यूशन के अंदर वाला या यहाँ वाला, क्योंकि मोल फ्रैक्शन यहाँ भी क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो तुम्हें इस चीज को डिसीजन लेना होगा कि हमें अब यहाँ लिक्विड है और गैस है, तो यहाँ भी मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन टर्म में अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्यूट का निकाल सकते हैं ना मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ भी मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा। तो क्वेश्चन में इस बात को ध्यान में रखना है कि जो हम यहाँ पर प्रेशर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ का मोल फ्रैक्शन लेंगे, यहाँ का मोल फ्रैक्शन नहीं लेंगे। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि गैसियस फेज का मोल फ्रैक्शन इतना है और सॉल्यूशन फेज का मोल फ्रैक्शन इतना है, तो हमें सॉल्यूशन फेज का मोल फ्रैक्शन नहीं लेना, हमें गैसियस फेज का मोल फ्रैक्शन लेना। तो याद रखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू निकालेंगे पहले कि इस पर्टिकुलर गैस का कितना प्रेशर है वो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पी टोटल। अब यहाँ पर ये जो एयर है इसका प्रेशर वो मेंशन करेगा, कितना 10 atm है या इतना atm है, ये मेंशन करेगा और उसका वो मोल फ्रैक्शन देगा। तो इससे हम क्या निकाल देंगे, पार्शियल प्रेशर, यानी एन टू कितना सोल्यूबल है वो हम निकाल रहे हैं, यानी जो गैस सोल्यूबल है उसका हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, जो गैस के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन में उसका हम क्या निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, क्योंकि टोटल प्रेशर हमें नहीं लेना है। अगर यहाँ पर देगा कि पी टोटल यहाँ पर 10 atm है तो आपको 10 atm नहीं लेना है, आपको उस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, क्योंकि उस गैस को डिजोल्व होने के लिए उसका पार्शियल प्रेशर लगेगा, बाकी का प्रेशर से कोई लेना देना नहीं उसको। और यहाँ एक ही गैस है तो यहाँ पी टोटल जो है वही पार्शियल प्रेशर, तो यहाँ पर पी टोटल जो दिया जाएगा वही क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होगा, वही गैस का प्रेशर वही पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर बराबर होगा। लेकिन इस यहाँ पर हमें जिस गैस को डिजोल्व करने के बारे में पूछेगा उसका पी टोटल से हम निकालेंगे उसका पार्शियल प्रेशर, और ये मोल फ्रैक्शन यहाँ गैसियस फेज वाला लेंगे, ध्यान रखना ये गैसियस फेज वाला लिया जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर क्या बोलेंगे यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पर एक से अधिक गैस डिजोल्व है तो हम बोलेंगे कि इस गैस का, अब यही बात हम बोल रहे हैं पार्शियल प्रेशर सॉल्युबिलिटी, तो हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और ये सॉल्युबिलिटी मान लो एक से ज्यादा गैस डिजोल्व है या यहाँ पर सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, तो हम यहां बोलेंगे क्या, मोल फ्रैक्शन यहां बोलेंगे। अब यहाँ प्रेशर के बारे में बात नहीं करेंगे, यानी वही गैस जब डिजोल्व हो गया तो हम बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू, यानी कितना मोल इसका डिजोल्व है, इसका कितना मोल डिजोल्व है, मोल फ्रैक्शन बोलो या मोल बोलो बात एक ही है, मतलब एक नहीं है लेकिन समझने के तो एक है ना कि एन टू का कितना मोल डिजोल्व हुआ, तो जितना ज्यादा इसका प्रेशर होगा उतना ही मोल ज्यादा डिजोल्व होगा। लेकिन हम यहाँ मोल नहीं बोल के यहाँ मोल फ्रैक्शन बोल रहे हैं, हम चाहेंगे तो मोल भी बोल सकते हैं, इसके बदले अगर हमें बोलना है तो मोल भी बोल सकते हैं, मोल ऑफ एन टू। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू या मोल ऑफ एन टू, तो पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि कितना मोल एन टू का डिजोल्व है, तो यहां से निकाल सकते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन में कुछ क्वेश्चन है तो डायरेक्टली मोल नहीं बोल सकते। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू इज इक्वल टू के पी हेनरी कॉन्स्टेंट, और यहां लिख देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू, इस पे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। और ये जो मोल फ्रैक्शन है ये सॉल्यूशन फेज वाला है,
ये जो मोल फ्रैक्शन है, क्योंकि जब तुम न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे बनाओगे इस बात को कंफ्यूज हो जाएगा कि मोल फ्रैक्शन कौन सा लेना है, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन वाला है, और यहाँ जो पार्शियल प्रेशर निकालोगे तो ये मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज वाला है, ठीक है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं। अब आगे पूछेगा कुछ भी तो यहाँ ये मेन हमारा यही रहेगा, इसके आगे जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा तो हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि जितना ज्यादा केपी होता है, हेनरी कॉन्स्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही मोल कम डिजोल्व होता है। ये डायरेक्टली एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि अगर केपी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। यहां से देखा जाता है ये ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना ही सॉल्युबिलिटी कम होगा। तुम्हें चार डेटा दिया जाएगा कि इसका केपी इतना 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 है, बताओ इसमें सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा है। तो जिसका केपी कम होगा उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। और हेनरी कॉन्स्टेंट किसके लिए डिफाइन होता है, सॉल्यूट के लिए, उस सॉल्यूट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। हेनरी कॉन्स्टेंट जो होता है वो सॉल्यूट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो चार पांच न्यूमेरिकल से यहां पूछा जाएगा, एक तो न्यूमेरिकल इस पे आएगा और एक न्यूमेरिकल इस पे दिया जाएगा कि केपी ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगा। एक न्यूमेरिकल एक तुम्हें डायरेक्ट ग्राफ दिया जाएगा, तो अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो वही वाला ग्राफ आएगा वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी पे। तो यहां पर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 या गैस और यहां पर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस या मोल। तो ग्राफ बनाओगे तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम एक्स प्लस सी। लाइन पास थ्रू ओरिजिन स्ट्रेट लाइन होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा, ठीक है। तो एक मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं बना के बताओ। हम यहां कंसंट्रेशन टर्म नहीं पढ़ाए, ठीक है, स्किप किए उसको। मोलारिटी नॉर्मलिटी मोलालिटी ये सब पढ़े हो और कन्वर्जन वगैरह, तो उसका क्वेश्चन अगर डाउट होगा तो ले लेंगे, अदरवाइज उसको मैंने टीच नहीं किया है। लिखो क्वेश्चन, हेनरी कॉन्स्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस, हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज 1.0 × 10⁵ atm। Then calculate number of mole of N2 from air। अब जैसे वर्ड लिखा from air, तो air में बहुत सारा गैस होता है, अब air में केवल N2 का निकालना है। air में N2 भी होगा, O2 भी होगा, CO2 भी होगा। From air dissolved in 10 मोल ऑफ वाटर एट 298 केल्विन एंड 5 एटीएम प्रेशर, और दे रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8।
मोल फ्रैक्शन है, कितना आंसर कितना? 4 × 10⁻⁴। देखो कैसे बनाएंगे, यहां पर लिक्विड है और यहां पर है एयर, यहां एयर। अब एयर में तो बहुत सारा गैस होता है और हमसे पूछा गया है N2 के बारे में। एयर में O2 भी होगा, CO2 भी होगा, N2 भी होगा, तो हमें N2 यहां पर है, CO2 भी है, O2 भी है, बहुत सारा गैस है। इसमें जो डिजोल्व होने के बारे में बात हो रहा है वो केवल और केवल N2 के बारे में हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम हो क्या होगा कि यहां पर एयर का प्रेशर कितना है, एयर का प्रेशर, और दूसरा काम ये होगा कि यहां पर इसका पार्शियल प्रेशर कितना है। जब गैस और मिक्सिंग होगा तो इसका जो जिसको डिजोल्व करना उसके बारे में सोचेंगे। तो हम पहले निकाल लेंगे फॉर्मूला, और कुछ रटना नहीं है। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना होगा, P टोटल, अब ये प्रेशर एयर वाला होगा यहां वाला, इनटू जिसको हम सोचना है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, इसके बारे में सोचना है। पहले डेटा देख लेंगे इसमें दिया है कि नहीं, एक ही बार सब पढ़ोगे तो नहीं निकल आएगा। तो देखो यहां पर लास्ट में लिखा है 5 atm प्रेशर, तो ये प्रेशर किसका है, एयर का ही है ना, ये प्रेशर एयर का ही है, और इसमें लिक्विड में थोड़े प्रेशर हो जाएगा, ये प्रेशर एयर का ही है, तो ये 5 atm है, तो यहां 5 atm, और इसका लास्ट में मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.8, तो इसका यहां पर एक ही वर्ड में लिख दिया कि 0.8 मोल फ्रैक्शन है इसका, ठीक है, तो 0.8 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4। यानी 5 atm में से 4 atm जो प्रेशर है वो N2 के द्वारा लगाया जा रहा है, ऐसे भी N2 का अमाउंट ज्यादा होता है एयर में, तो 5 atm में से 4 atm किसके द्वारा प्रेशराइज हो रहा है, N2 के द्वारा। ये प्रेशर जो होगा पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KP, KP का वैल्यू कितना है, 10⁵ KP इंटू, अब इसका मोल फ्रैक्शन इसमें कितना डिजोल्व हुआ, अब इसमें सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 × 10⁵, ये क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ कि नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिजोल्व इन, तो कितना, तो जितना यहां मोल डिजोल्व होगा उतना ही मोल एयर में से वो आया होगा। वो बोला है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिजोल्व इन 10, तो जितना यहां पर डिजोल्व मोल होगा N2 का वो एयर से आया होगा ना, तो हम यहां मोल फ्रैक्शन हमारा N2 का निकल के आया, N2 का मोल फ्रैक्शन हमने निकाला, तो अब ये N2 यहां बोल रहा है कि इतना इसका मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन वाला है, अब ये मोल फ्रैक्शन कहां वाला है, सॉल्यूशन वाला। अब सॉल्यूशन के पास जाते हैं तो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो यहां पर देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ N2 डिवाइडेड बाई, अब यहां पर कौन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो यहां लिखेंगे मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ H2O, यही लिखेंगे ना, एक गैस है और एक वाटर है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हमारे को कितना आया है, 4 × 10⁻⁵। मोल ऑफ N2 हमें निकालना है कि कितना यहां पर इसका मोल है, हम नहीं जानते, मोल फ्रैक्शन जानते हैं मोल नहीं जानते, तो मोल फ्रैक्शन जानते हैं तो मोल निकालने में क्या, डिवाइड बाई मोल ऑफ N2, 4 × 10⁻⁵, ये मोल ऑफ N2 हमें नहीं मालूम है, x प्लस ये आ जाएगा 10। अब यहां से या तो x को तुम नेगलेक्ट कर दो, एक बहुत कम आने वाला है वो, इसको तुम नेगलेक्ट मार दो, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी कैलकुलेट करो मल्टीप्लाई करके, लगभग वही आंसर आएगा, थोड़ा सा
इधर उधर आएगा, लेकिन अप्रोक्स वही आंसर आएगा। तुम नेगलेक्ट करना चाहते हो तो नेगलेक्ट कर दो, और नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू निकालो। इसको मैंने नेगलेक्ट कर दिया, इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 4 × 10⁻⁴ हो जाएगा इक्वल टू एक्स। तो देखो एक्स का वैल्यू कितना कम आया, इतना अगर कम आया तो मैं 10 के कंपेयर में तो बहुत कम है ना, ये 10 के कंपेयर में 0.0004 है ये। तो अगर 10 में तुम ऐड करोगे इस वैल्यू को तो क्या फर्क पड़ता है, हम इसको नेगलेक्ट करना चाहेंगे। तो ये मोल आ गया ये, तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स को बनाना है। तो रटना नहीं है फॉर्मूला, वेन्यू लॉ का फॉर्मूला है, कैसे अप्लाई कर रहे हैं ये जानना है। यहाँ का मोल फ्रैक्शन निकालना है, यहाँ का मोल फ्रैक्शन निकालना है, कब क्या लेना है, ये चीजें ध्यान में रखना है। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। अब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है ना। क्लासियस कैप्रियन इक्वेशन, तो अभी मैं बता दे रहा हूं वेपर प्रेशर अभी है, तो वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर से रिलेट करेगा। तो अवस्थी वाला क्वेश्चन बनाओगे तो पहला दूसरा इक्वेशन क्लासियस कैप्रियन के ऊपर है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि कितना टेम्परेचर बढ़ाया जाए कि वेपर प्रेशर कितना बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा ना, अभी वेपर प्रेशर बताया नहीं लेकिन मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने से तो T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर P1 है और T2 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर P2 है। तो कितना टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में रिलेशन निकालो, ये रिलेशन कहां हमने पढ़ा था, अरहनियस इक्वेशन में, केमिकल काइनेटिक्स है। तो लॉ हो गए P2/P1, वहां पर हम K2/K1 लिखा करते थे, इक्वल टू डेल्टा एच, ये डेल्टा एच होगा हीट ऑफ या इंथेल्पी ऑफ वेपराइजेशन, यानी वेपर बनाने में कितना हीट लगा, अपॉन क्या होगा 2.393 R, यहां क्या हो जाएगा। अब ग्राफ भी बना सकते हो इसका, अगर ग्राफ पूछेगा लॉग पी में और 1/T में, तो ग्राफ कैसे बनाओगे, ये तो लॉग P2/P1 है, और हरियाणा सिक्वेशन याद है तुम लोगों को, तो वहां पर क्या है लॉग के इक्वल टू क्या होता था 2.393 R, और 2.393 IT, के इक्वल टू क्या होता है AE^-EA/LN ले लो, LN के इक्वल टू ये दोनों सेपरेट हो जाएगा LNA और ये हो जाएगा -EA/RT, लॉग ले लो तो 2.303 लॉग के, लॉग के इक्वल टू लॉग A -2.3 डिवाइड करेंगे A/2.303 RT। इससे अगर आप लॉग के जगह पर रख दो लॉग पी, लॉग के जगह पर क्या रख दो लॉग पी, तो लॉग पी इक्वल टू -EA/2.303 RT प्लस लॉग ए। अब बताओ कि अगर ये y एक्सिस पे लॉग p है और यहाँ पर t 1/t है, तो लाइन का स्लोप क्या होगा निगेटिव और y इंटरसेप्ट क्या होगा पॉजिटिव, ये होगा ना y इंटरसेप्ट, हाँ डेल्टा h हो जाएगा, इंथेल्पी यहाँ पर डेल्टा h के बराबर कर देंगे। y इक्वल टू mx प्लस c, c क्या है पॉजिटिव है, ये क्या वाई होगा, बस प्रेशर को कैसे रिलेट किया है, लॉग ए है तो लॉग ए ही रहेगा, इसमें इंथेल्पी को एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी को इंथेल्पी बोला है उसमें, बाकी कोई टर्मोलॉजी चेंज नहीं होगा, लॉग ए इसमें क्या होगा लॉग ए ही रहेगा।
लॉग एक्चुअली ये वाला नहीं, ऐसा ही रहेगा, लॉग ए कांस्टेंट है ना, इसके लिए उतना ही रहेगा। ये फॉर्मूला इसी से आया हुआ है। ग्राफ क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव। चलो इतना अभी जितना पढ़ाया उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लो लेवल 1, 2, 3 से, फिर कल स्टार्ट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कल स्टार्ट करेंगे तो लगभग आधा समाप्त हो जाएगा।